टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। हमने आपको डेथ सर्टिफिकेट के बारे में खबर दिखाई थी कि मुंब्रा में कोई भी डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, 2 से 3 डॉक्टरों को छोड़कर। इसके खिलाफ नगर सेवक जफर नुमानी ने मनपा के वैद्यकीय विभाग में लेटर दिया था और अब मनपा के वैद्यकीय विभाग ने मुंब्रा कौसा के करीब 200 डॉक्टरों को डेथ सर्टिफिकेट देने को कहा है और इसके लिए लेटर भी जारी किया है। जफर नुमानी ने बताया कि मनपा द्वारा इन्हें लेटर जारी किया गया है और अब इन डॉक्टरों को डेथ सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकते हैं। इनके पास अगर DC बुक नहीं है तो ये मनपा से जाकर ले सकते हैं। वहीं जफर नुमानी ने बताया कि डॉक्टर अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाफ मनपा के आरोग्य वैद्यकीय विभाग में इसकी शिकायत भी की जा सकती है और इन डॉक्टरों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। साथ ही जफर नुमानी ने बताया कि DC यानी डेथ सर्टिफिकेट, इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं लगेगा। इस डेथ सर्टिफिकेट के संबंध में नगर सेवक जफर नुमानी ने क्या पूरी जानकारी दी है, सुनिए। तो हमने इस ऐसे हालात को देखते हुए एक मांगनी की थी, हमारे जो HOD है मुरुडकर साहब, हमने उनसे एक लेटर दिया था। हमने उनसे मांगनी की थी कि सर, मुंब्रा कौसा में और दीवा प्रभात समिति को मिला के तकरीबन 200 डॉक्टर और ऐसी क्या वजह है कि ये लोग डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करते। तो उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब के मार्गदर्शन में, सर शमीम खान साहब, भाई साहब शानू बढ़ान साहब, राजू अंसारी साहब ने भी हमको भरपूर इसमें ताउन किया। इन लोगों के ताउन से हमको आज जो हमारी HOD हैं, एक लेडीज़ हैं अपर्णा अनिता कापड़ने मैडम ने, उन्होंने हमको एक लेटर इशू किया है। तकरीबन 200 कॉपी हमको उन्होंने दिया है लेटर की। ये कॉपी है, तकरीबन आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तकरीबन 200 कॉपी जी, ये हमारे नाम से उन्होंने उसको दिया है। या मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए अल्लाह ताला ने मुझसे बहुत ही बड़ा काम लिया है और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। जो ये लेटर दिया गया है, ये क्या कहकर आपको दिया गया, क्या करेंगे लेटरों का? इसमें ये लेटर दिया गया है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, मैंने उसमें एक चीज़ साफ वादे की थी कि बाहर से बहुत सारे डॉक्टर आते हैं हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए, 2 से 3 घंटा बैठते हैं, वो लोग उनको दवाइयाँ देते हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? जनरल प्रैक्टिशियन तो जो मुंब्रा कौसा के हैं, वो तो उनके साथ तो प्रॉब्लम है ही है, ये क्यों नहीं देते? हमने उसमें भी कहा, तो उन्होंने हमको एक लेटर इशू किया है। लेटर में उसमें साफ लिखा है कि जो 200 डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल हैं, वो तमाम लोगों के पास 2 बुक होती है, एक डेट ऑफ कॉज की किस वजह से डेट हुई और एक मेडिकल डेथ सर्टिफिकेट की बुक। दोनों सर्टिफिकेट तमाम डॉक्टरों के पास, तमाम हॉस्पिटल के पास अवेलेबल होना कंपलसरी है और अगर ये बुक उनको थाने महानगर पालिका में जाकर के लेनी पड़ेगी, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और अगर उस जिम्मेदारी से किसी ने पीछा छुड़ाया तो उसके ऊपर 188 के तहत जो कानूनी धारा है उसके खिलाफ कोई भी कॉमन पर्सन जाकर के महानगर पालिका में वैद्यकीय विभाग जो है उसमें जाके कंप्लेन कर सकता है। ये लेटर मैं आप तक पहुंचाऊंगा, तमाम 200 डॉक्टरों के यहाँ मैं खुद पहुंचाऊंगा और उस पर एक कॉपी पर उनकी लेटर पर साइन भी लूंगा और उसके बावजूद भी अगर इस पर अमल नहीं किया गया तो मेरे खिलाफ़ शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसके बाद अगर कोई डॉक्टर ये बोलता है कि हम डेथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, हमारे पास बुक नहीं है, तो उस पर जो उचित कार्रवाई होगी उस पर वो कार्रवाई की जाएगी। मैं तमाम जो डॉक्टरों की 3 से 4 संस्थाएं हैं जो उनके जिम्मेदार हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आपकी टीम में जो भी जहाँ जहाँ डॉक्टर हैं उनसे आप ये रिक्वेस्ट करें कि ये लेटर आप कंपलसरी अपने पास मंगा करके रखें, ये बुक, ताकि शहर में डेथ सर्टिफिकेट, अगर किसी को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और उनका ही डॉक्टर वो सर्टिफिकेट देने से मना करता है, तो मनपा में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 100% करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। 3,500 से 4,000 रुपया कौन देगा, किसके पास है? एक अच्छा, तो जिस तरह से ये चार्जेज इसका है, कहा जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर मुंब्रा शहर में 4,000, 5,000, 3,500 DC के लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ ही डॉक्टर दे रहे हैं DC,
तो अभी आप 200 डॉक्टरों को बता रहे हैं कि हम ये फॉर्म दे, जो लेटर मिला ये देने वाले हैं, और सभी को जो है डेथ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य किया जाएगा, तो इसके चार्जेस क्या रहेंगे? क्या सब वही नहीं? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई पैसा ज्यादा लेता है, नॉर्मल चार्ज जो उनका होता है, उसके अलावा अगर कुछ ज्यादा लेते हैं पैसा, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई? बिल्कुल, मुझसे संपर्क करें, मेरा नंबर है 9588800088। अगर कोई भी डॉक्टर आपसे दादागिरी करता है, जबरन आपसे पैसा मांगता है, और डेथ सर्टिफिकेट की बुक होने के बावजूद भी अगर वो डेथ सर्टिफिकेट देने में बहाना करता है, तो मुझसे कांटेक्ट करें, और अपने अपने वार्ड के नगर सेवक के कांटेक्ट करें, हमारे आमदार साहब को कांटेक्ट करें, शहर के एनजीओ को कांटेक्ट करें। मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों से कांटेक्ट करें, और अगर वो लोग अगर उस पर वो लोग गलत साबित हुए, या उन्होंने अगर देने में कोई भी कोताही की, तो बराए मेहरबान हम तमाम लोग उसके खिलाफ जाकर के कंप्लेन करेंगे। यह हमारी लोगों से अपील है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं डॉक्टरों से कि बुक अपने पास रखिए, दोनों बुक आपके पास रखिए। आप लोगों के शहर, इसी शहर ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। आपकी डिस्पेंसरी चलती है, आपका रोजगार चलता है, आप अपने परिवार को चलाते हैं, तो मेरी उनसे मोतमाना अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि ये बुक रखे वो अपने पास, और शहर के लोगों की मदद करें। ऐसे वक्त में जब लोग दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, तरीके तरह तरीके से परेशान है, हर तरीके से खाने पीने दवा दारू हर चीज़ से परेशान है, उसमें मौत के बाद भी उसको दर बदर की ठोकरें खाना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे नगर सेवकों के लिए, जो हम शहर के जिम्मेदार, हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से कमिश्नर साहब, जो हमारे टीएमसी के कमिश्नर साहब, उनको भी लेटर दिया था, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। महापौर साहब, हमारे विरोधी पक्ष नेता शमीम शानू पठान साहब, हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब, राजू अंसारी साहब, सैद अली भाई साहब, शहर के तमाम नगर सेवक, और जिन लोगों ने, और आप लोगों का खासकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मीडिया पर्सन लोग जो भी हैं, जो हमेशा शहर के मसाइल को लेकर के आवाज़ उठाते रहते हैं, मैं आप लोग का भी तहे दिल से शुक्रिया।